मैं आज आप लोग से प्रश्न उत्तर पूछूंगी चैप्टर 4 का, आओ लौट चले। मैं ये आप लोग का बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ, आज मैं आप लोग से पूछूंगी, ठीक है? ओके अमर। यस हाँ बोलिए। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? मैम, उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। गोविंद ऐसे नहीं बोलना है, प्रॉपरली अच्छे से बोलिए। गोपी, गोविंद और गोपी ऐसे छात्र थे जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। अगर एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो मैं नंबर भी कट करके शॉर्ट फॉर्म में नंबर दूंगी। ठीक है। चलो बोलो, वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? वो स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें घर और स्कूल में डांट खानी पड़ती थी, दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें दोनों वापस इसलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें एक सच्चाई पता चल चुकी है कि सीखे बिना कुछ काम नहीं किया जा सकता है। सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है। मैंने आंसर ये लिखाया था अमर। बैंड यस मास्टर दोनों को क्यों भगा देते हैं? मैम, ग्रैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देते हैं कि उन्हें ठीक से बजाने नहीं आता था, बजाने क्या बजाने नहीं आता था? बाजा बजाने नहीं आता था। नहीं आता था। देखो मैं इसी में अगर बाजा अगर छोड़ दिया तो मैंने हाफ नंबर कट कर दूंगी। समझ में आया अमर? पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखना है वाक्य। अगर आंसर क्लियर नहीं होगा तो मैं नंबर भी पूरा नहीं दूंगी आपको। ठीक है अमर? ओके वेरी गुड। ठीक है ना? मेघना रहमान। यस मैम। हाँ बोलो। गोपी और सॉरी गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? बुक से देख के आंसर नहीं बोलना है। गोविंद और गोपी ऐसे छात्र थे जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? बस स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देते हैं? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देते हैं क्योंकि उन्हें बाजा बजाना ठीक से नहीं आता था। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस इसलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें सब सच्चाई पता चल गई है कि सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। थैंक वेरी गुड मेघना। सिफा। यू मैम। यस आई बेटा। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोपी और गोविंद ऐसे छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? दोनों इसीलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें घर व स्कूल में डांट खाने को पड़ती है। बैंड बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? मास्टर दोनों को इसलिए भगा देता है क्योंकि उन्हें ठीक से बाजा बजाना नहीं आता था। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस इसीलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि दोनों को यह सीख मिल जाती है कि सीखे बिना कोई कर्म ज्ञान नहीं किया ज्ञान जा ज्ञान ज्ञान नहीं ज्ञान बेटा। हाँ मिल जाता। ओके वेरी गुड। शिफा। दीपाल। और मैम मुझे और एक क्वेश्चन करिए ना। अच्छा बोलो तो, गोविंद और गोपी के पिता का नाम क्या है? गोविंद और गोपी का पिता का नाम है हरिशंकर। वेरी गुड। गोपी और गोविंद को वास्तव में क्या सब कुछ आता था? नहीं, दोनों को वास्तव में कुछ नहीं आता था। यस हाँ ओके वेरी गुड। शिफा। ओके दीपल। मैम। हाँ बोलो।
गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र थे जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस इसलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि क्योंकि बोलो क्योंकि उन्हें यह सीख मिलती है उन्हें यह सीखा मिलता है कि सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, आपने सीखा बोला, आप सीख होगा सीख, ठीक है। अच्छा बोलो, बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देता है क्योंकि उन्हें ठीक से बाजा बजाने नहीं आता था। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? ये गोविंद और गोपी इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं। बोलो, क्योंकि पढ़ाई में उनका मन क्योंकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। ओके दीपल, वेरी गुड। शोएल, शोएल। यस मैम। हाँ बोलो, गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? है मैम, मैं बोलूं? हाँ बोलो। गोपी और गोविंद ऐसे छात्र थे जिस पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आप बोलिएगा छात्र, ठीक है? छात्र, छात्रों ने बेटा, छात्र छात्र। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? गोपी और गोविंद को पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसलिए वे स्कूल छोड़ देते हैं ते नहीं देते हैं। हाँ, दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल इसलिए जाते हैं को जो उसके जहाँ सीख मिलता है कि सीख बना कोई दिखे बिना बाला कोई नहीं मन लगता नहीं लगता है मन मिलते नहीं सुनो नहीं बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है ध्यान नहीं मिलता है। हाँ, बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बड़े मास्टर दोनों को इसलिए भगा देते थे कोई कि इसकी उसके ठीक से बजा बजाने नहीं आया। वेरी गुड सोहेल, बहुत अच्छा। अब्दुल, प्रॉपरली सिट। थैंक यू मैम। रुक्षार, खातून, निशांत, परवीन। पहले रुक्षार आप बोलिएगा, ठीक है? गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? हाँ, बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर इन दोनों को इसलिए भगा देता है कि इन दोनों को ठीक से बाजा बजाने नहीं आया। ओके वेरी गुड। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? वे स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं दोनों को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हाँ, वेरी गुड। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल जाते हैं या कोई ज्ञान नहीं मिलता है। हाँ, वेरी गुड। सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है, वेरी गुड। आप मुझे निशान सुनाएंगी? बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों भगा देता है
गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोपी और गोविंद ऐसे छात्र थे जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हाँ, वेरी गुड। वे स्कूल सॉरी दोनों वापस क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें सीख मिलती है कि सीखे बिना नहीं मिलता। वेरी गुड। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों भगा देता है हाँ, मैंने सुना निशांत। वेरी गुड निशांत और रुक्षार। ओके अब्दुल, यस मैम, बोलो दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? गोविंद और गोपी इसलिए स्कूल जाते हैं पहले आप बुक पढ़िए। एग्जाम देने मम्मी नहीं जाएंगी, एग्जाम देने आप जाओगे। तो पहले आप बुक खोलो और लर्न करो, बैठकर किताब खोलो और लर्न करो। अब्दुल, अशराफुल, हाँ बोलो। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों को यह सीख मिलती है कि कुछ सीखे बिना ज्ञान नहीं मिलती। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? और गोपी हैं जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ओके वेरी गुड। मोहम्मद रफीकुल, रफीकुल, यस मैम, हाँ बोलो। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें स्कूल में पढ़ाई में नहीं मन था। जोर से बोलना रफीकुल। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? क्योंकि उन्हें बाजा बजाना नहीं आता था। हाँ, दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? पीछे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। गोविंद और गोपी कैसे छात्र थे? उनको पढ़ाने कोई भी मन नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। रफीकुल वेरी गुड। संयम, मैं क्या मैं बोलूं? वेट राजवीर, मैंने कहा था रेज योर हैंड, स्विच ऑन योर कैमरा। राहत, दीपल, मेघना रहमान, अद्रिता दास, अमीना खातून, रितो, स्विच ऑन योर कैमरा। संयम, संयम,
यस मैम। हाँ बोलो। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देता है क्या? बोलो क्या? क्योंकि उन्हें बजाना नहीं आया। ओके संयम, ठीक से प्रॉपरली ठीक से बैठो, ठीक से बैठो संयम। पहले गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल इसलिए जाते हैं। क्योंकि उन्हें यह सीख मिलता है, सीख मिलती है कि सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है। ओके सही, वेरी गुड। समायन दास, समायन दास, समायन दास। यस मैम। ठीक से पहले बैठो समायन। यस मैम। हाँ बोलो। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देते हैं, उन्हें ठीक से बजाना नहीं आता। वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि घर और स्कूल में उन्हें डांट पड़ती थी। वेरी गुड समायन। सबनूर। यस मैम। हाँ बोलो। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ज्ञान के बिना कोई सीख नहीं मिलता। सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? क्योंकि वो लोग सुर में बैंड नहीं बजा पाते इसीलिए। ओके वेरी गुड। राजवीर अधिकारी। यस मैम। हाँ बोलो। गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? गोविंद और गोपी ऐसे छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देते हैं क्योंकि उन्हें बाजा बजाना नहीं आता था। दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एक सीख मिलती है कि सीखे बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। वेरी गुड। नादिम, नादिम।
यस मैम। बोलो, गोविंद और गोपी कैसे छात्र है? गोवी और गोविंद ऐसे छात्र है, उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? बैंड मास्टर दोनों को इसलिए भगा देता है, बैंड उसको बजा नहीं पाया। बैंड नहीं, बाजा बजाने नहीं आया। ठीक है, दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं? दोनों वापस स्कूल इसलिए जाते हैं, उसे सीख मिलती है और पढ़े बिना कोई सीखे बिना कुछ सीखे ज्ञान मिलती है नहीं मिलता है। नहीं। वेरी गुड नादिम।